कंकाल तंत्र रीढ़। हम कंकाल के बारे में अपनी पढ़ाई रीढ़ के साथ शुरू करने जा रहे हैं। रीढ़ शरीर के तीन बहुत ही जरूरी हिस्सों, सर, पसलियों और कूल्हों को जोड़ने का काम करती है। रीढ़ की बनावट। रीढ़ शरीर के ऊपरी हिस्से को बहुत मजबूती से सहारा देती है, फिर भी यह बेहद लचीली है, जिसके कारण हम आराम से मुड़ या झुक पाते हैं। रीढ़ की हड्डी 24 अलग अलग छोटे हिस्सों या हड्डियों से बनी होती है। ये छोटी कठोर हड्डियाँ रीढ़ को मजबूती देती हैं। इन छोटी मजबूत हड्डियों के बीचों बीच में लचीले ऊतक होते हैं, जिनके कारण ये सभी हड्डियाँ हिलडुल पाती हैं। हर छोटी हड्डी अपनी जगह पर तो थोड़ा सा ही मुड़ती है, पर सभी हड्डियों का ये थोड़ा थोड़ा मिलकर मुड़ना कुल मिलाकर रीढ़ को काफी मुड़ने की क्षमता देता है। रीढ़ के चार हिस्से होते हैं। पहले गर्दन का सर्वाइकल का भाग, छाती में पसलियों वाला भाग, तीसरा पीठ का निचला भाग और चौथा जो रीढ़ का निचला या सबसे आखिरी हिस्सा होता है, जो दो अलग अलग हिस्सों सैक्रम और कॉक्सेक्स से बना होता है। कॉक्सेक्स उस हड्डी का अवशेष है जो जानवरों में दुम या पूंछ का हिस्सा बनाती है। बोलचाल की भाषा में इसे टेलबोन या दुमची भी कहते हैं। ये सभी भाग रीढ़ को चार घुमावदार मोड़ देते हैं। अगर रीढ़ एक सीधी रेखा में होती तो यह मजबूत तो बहुत होती, पर इसमें लचीलापन बिल्कुल नहीं होता। ये चार घुमावदार मोड़ रीढ़ को झटके झेलने के लिए लचीलापन देते हैं और संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। यही रीढ़ हमारे शरीर को सीधा खड़े रखने वाला मजबूत ढांचा है। रीढ़ की हर छोटी हड्डी की बनावट एक दूसरे से अलग होती है। कुछ इसे मजबूती देने के लिए बनी है तो कुछ लचीलापन देने के लिए। रीढ़ द्वारा किए गए हर काम का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। छाती वाला भाग पीछे जाता है तो सैक्रम यानी पिछला हिस्सा आगे की ओर झुकता है। क्योंकि पसलियां और कूल्हे रीढ़ से जुड़े होते हैं तो वो इस झुकाव को आगे ले जाते हैं। इसीलिए रीढ़ की वास्तविक स्थिति कुछ ऐसी है और ना कि ऐसी। इसके नीचे से हर भाग या छोटी हड्डी के हिलने डुलने की अपनी एक सीमा होती है। रीढ़ के निचले भाग में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत छोटी हड्डियां होती हैं। इनके ऊपर शरीर के ऊपरी भाग का सारा वजन उठाने की जिम्मेदारी होती है और यही शरीर के आगे पीछे और एक तरफ झुकने का भी ख्याल रखती हैं। जब तुम अपने पैर के अंगूठे को छूने के लिए झुकते हो तो यही निचला हिस्सा सबसे ज्यादा झुकता है। That's good. छाती में पसलियों वाले भाग के हिस्से की छोटी हड्डियाँ निचले भाग जितनी बड़ी और मजबूत नहीं होती, इसलिए आप सोचते होंगे कि इसमें लचक ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लचक, खिंचाव और दाएं बाएं झुकाव बहुत कम होते हैं और इसीलिए छाती का यह हिस्सा स्थिर रहता है। हालांकि यह हड्डियाँ गर्दन को गोल घुमाने की क्षमता जरूर रखती हैं और यही इनका प्रमुख काम भी है। सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी का सबसे पतला और सबसे नाजुक हिस्सा होता है, इसलिए यह गर्दन को ज्यादा लचीला होने देता है। सर्वाइकल भाग की पहली तो हड्डियाँ तो कमाल की होती हैं। इन्हें एटलस और एक्सिस कहते हैं। एक्सिस बेलन के आकार की हड्डी होती है जो एटलस के अंदर जाती है। एटलस एक्सिस के आसपास लिपटी हुई होती है। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एटलस और एक्सिस मिलकर कौन सा जोड़ बनाते हैं? जरा सोच कर तो देखो। सही सोचा, पिवेट जोड़। सर्वाइकल हड्डी इसी जोड़ यानी जहां एटलस और एक्सिस आपस में मिलते हैं, इसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा हिलडुल सकती है। इसलिए हमारा सर दोनों ओर घूम सकता है और गर्दन के बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा मदद के बिना भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन सर में तिरछा झुकाव नहीं है, ये काम गर्दन को करना पड़ता है। चलो इसे फिर से देखते हैं। सर्वाइकल भाग रीढ़ के बाकी भागों से अलग होता है। यह सर को चारों ओर घुमाता है और सभी दिशाओं में हिलडुल सकता है। छाती का और कमर का भाग थोड़े ज्यादा सीमित होते हैं और इन्हें एक साथ काम करना होता है। छाती का भाग पीछे मुड़कर देखने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कमर का भाग लचीलापन, खिंचाव और तिरछे मुड़ने में मदद करता है।